अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं नदीम अहमद, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। रशिया यूक्रेन की युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और ये लगातार फिर से बढ़ता जा रहा है। क्रीमिया में जो अटैक हुआ है उसके बाद से भारत ने भी चेतावनी जारी की है। भारत सरकार ने क्या कुछ कहा है आगे बताएंगे, लेकिन क्रीमिया ब्रिज पर क्या चल रहा है पहले उसको बता देते हैं। क्रीमिया ब्रिज पर हुए अटैक से बौखलाए रूस ने अब यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी आर्मी ने सोमवार को यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया और एक के बाद एक मिसाइलें दागी, जिससे दोनों देशों के मध्य संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके कई शहरों को मिसाइल हमलों के जरिए निशाना बनाया, यहां तक कि उसने रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा। यूक्रेन में लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है और यूक्रेन की गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा से बचने की सलाह दी। भारतीय दूतावास की ओर से जो सलाह जारी की गई है उसमें यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष तेज होने के बाद सामने आई है। दूतावास ने भारतीयों को यूक्रेन में रहने की जानकारी देने और अपनी सिचुएशन से उसे अवगत कराने को कहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद के लिए उन तक पहुंचा जा सके। दूतावास ने कहा, यूक्रेन में जारी संघर्ष के तेज होने के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे यूक्रेन की और यूक्रेन के भीतर की गैर जरूरी यात्रा से बचे। एडवाइजरी में कहा गया है, वे यूक्रेन की सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सिक्योरिटी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। दूतावास ने आगे ये भी कहा कि भारतीय नागरिकों से अपील की जाती है कि वे यूक्रेन में अपनी मौजूदगी से दूतावास को अवगत कराएं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंचा जा सके। रूस के बेहद अहम 19 किलोमीटर लंबे क्रीमिया ब्रिज पर शनिवार को हमला किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला क्रीमिया पुल पर अटैक सहित कीव की आतंकवादी कार्रवाई के जवाब में किया गया है। रूस ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके कई शहरों पर मिसाइल हमला किया। इससे जुड़ी कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही है। राजधानी कीव में हमले में कम से कम 6 लोगों की जान भी चली गई है। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां और हमले में बर्बाद हुए इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है। इन मिसाइल हमलों को हाल के महीनों में रूस द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला करार दिया गया है। वहीं भारत ने यूक्रेन संघर्ष के फिर से भड़कने पर चिंता जाहिर की है। भारत ने कहा कि युद्ध का फैलना किसी भी हित में नहीं और सभी पक्षों को दुश्मनी त्याग कर तत्काल कूटनीतिक और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत सरकार के इस बयान पर और भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे लोगों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।